गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। तो आज आप सोच रहे हैं कि सुबह सुबह ये मिर्च, हरी मिर्च, लहसुन, प्याज, अदरक सब बारीक बारीक कर क्यों कट रहा है। तो आपको पता भी होगा कि कई बार मैंने ये वाली जो है मतलब बनाई हुई है। तो मैं आज बनाने जा रही हूँ सत्तू भर के लिट्टी, यानी कि हालांकि मैं पराठा ही हमेशा बनाती हूँ, तो आज जो है लिट्टी बनाने वाली हूँ, वो भी तला हुआ। तो उसके लिए काफ़ी ज़्यादा इंग्रेडिएंट्स चाहिए होता है, तो उसकी प्रिपरेशन जो है बहुत पहले करनी होती है। तो मैं सबसे पहले प्याज, अदरक, लहसुन, सारा चीज़, हरी मिर्चें, धनिया, सब चीज़ काट के, और उसके बाद इसमें सत्तू, काला नमक, अजवाइन और सरसों तेल, ये सारा चीज़ डाल के, अचार का मसाला, नींबू, सारा चीज़ डाल के इसको पहले इसका जो फिलिंग तैयार करूँगी। तो इसी में काफ़ी टाइम निकल जाता है, और टाइम हो जाता है तो कभी कभी सब्ज़ी से हटके भी जैसे कुछ खाने का मन करता है, तो मैं ये बना दूँगी ना तो बच्चे भी दोनों जो है चाय के साथ खा लेंगे बाद में मेरे पीछे से स्कूल जाने के बाद। तो इसलिए मैं ये बना रही हूँ, और मैं भी ले जाऊँगी, हस्बैंड भी ले जाएंगे, नाश्ता भी हो जाएगा और लंच में भी ये मतलब चला जाएगा साथ में, इसलिए बना रही हूँ। और देखिए ये मॉर्निंग का टाइम है और मेरे घर में कितनी शांति मतलब है, बिखरी हुई बिल्कुल शांत है, जबकि घर में चारों बंदे हैं, हम लोग चारों हैं, लेकिन शांति है बिल्कुल, क्योंकि तीन तो सोए हुए हैं अभी, मैं ही उठी हूँ अभी और वो भी किचन में हूँ। तो किचन में जो काम है, बाकी मैं कोई नहीं उठा हुआ है, आज बेटी भी नहीं उठी जिम जाने के लिए, वो शायद शाम को जाएगी, तो इसलिए शांति है। तो मैं भी अपना काम फटाफट इसलिए निपटा रही हूँ। आज मैंने सोचा है कि आज मैं भी लंच लेके जाऊँगी, हालांकि बनाती हूँ लेकिन लंच लेके नहीं जा पाती हूँ क्योंकि जल हड़बड़ाहट इतनी होती है। तो कल मैं ये बैंगन खरीद के लाई थी, तो मैंने कहा कि आज बैंगन का भरता भी जो है, और आलू का, बैंगन आलू का मिक्स जो भरता होता है वो मैं आज बनाऊँगी। तो एक बैंगन मैंने उठाया और तेल लगा के उसको दूसरी तरफ पकने के लिए दे दिया है, एक तरफ मैंने जो है इसकी प्रिपरेशन जो है लिट्टी की तैयार कर दी है। उस समय उठाऊंगी, उससे 10 मिनट पहले उठाऊंगी, तो इसीलिए जो है मैं सोने ही देती हूँ। देखिए हम लोग का टाइम क्या है, शुरू से हम लोग की आदत बनी हुई है कि 12, 12:30, 1 बजे तक बेड पे जाना है रात को, तो वो आदत एक दिन में तो चेंज होने वाली नहीं, जो बरसों की आदत है वही रहेगी। तो वही अभी भी आदत हम लोगों की है, ऐसे ही लेट नाइट हम सोते हैं और उसके बाद खाना पीना खा के अपना बेड पे एक तो बज ही जाता है, और सुबह 4 बजे हम लोग मॉर्निंग में उठते हैं, किस लिए, पानी चलाने के लिए। ये पानी अगर मिस कर गए तो पूरे दिन फिर आपको पानी के लिए कहीं और जो है मतलब ढूंढना पड़ेगा। तो इसलिए मतलब ऐसा कुछ है ही नहीं कि आप पानी चलाना मिस कर जाओ, टंकी में आपको पानी फिल करना ही होता है, ज़रूरत है उसकी। तो बाकी तो और पीने वाला तो चलो बाहर भी मिल जाएगा, लेकिन नहाने धोने सब चीज़ काम करने के लिए पानी के लिए सुबह उठना ही पड़ता है 4 बजे। और 4 बजे उठो तो 1 घंटे के लिए आपका टाइम जो है बिल्कुल जो है ऐसे बर्बाद चला जाता है, क्योंकि 1 घंटा जो है तकरीबन लग ही जाता है वो पानी चलाओ, फिर बंद करो मोटर, सारा चीज़ मतलब देखने रखने में। तो आप सोच लो जो 12 बजे सोता है या 1 बजे सोता है और 4 बजे उठते हैं, और 5 बजे अगर फिर से एक बार थोड़ी सी झपकी लेने के लिए, स्वाभाविक है लेना ही पड़ेगा, काम करना है तो इतना करना ही है, तो उठते उठते हो जाता है। फिर दोबारा अगर उठती हूँ मॉर्निंग में ना तो वो 5:45 बज जाता है। तो थोड़ा तो अपने आप को भी सोने के लिए टाइम चाहिए ही होगा, अगर उठ के यही कम नहीं, तो 4 बजे उठना कोई बड़ी बात नहीं है, अगर अर्ली हम लोग सो जाएँ, जल्दी सो जाएँ तो। और यहाँ पर देखिए मैं बच भी गई, कुकर भी मेरा गिरने वाला था और जलने से भी बच गई। सुबह की हड़बड़ाहट ही ऐसी होती कि आपका काम पूरा हो जाए, और ज़रूरी भी है इतना शरीर को चलाना, नहीं अगर करूं तो फिर ये शरीर को बिठा के कोई फ़ायदा नहीं है। तो मेरा यहाँ पे सब चीज़ तैयार हो गया है, और मैंने चढ़ा दी कढ़ाई, और कढ़ाई में डालूंगी तेल, और आज मैं बनाऊंगी लिट्टी, वो भी तला हुआ। एक लिट्टी बनता है सूखा,
जो कि कंडे पे बनता है, लेकिन वो तो यहाँ पॉसिबल नहीं है, तो मैं तेल में तल के ही बनाऊँगी। हालांकि मैं, आपने देखा होगा कि इसका पराठा ही बनाती हूँ, लेकिन आज मैं इसकी जो है गोल गोल करके इसको तल के बनाऊँगी। और तेल से मैंने जो है आटे को गुथा था हल्का सा मोयन डाल के, तो ये जो है मतलब टूट जाएगा आसानी से। और ऐसे बना बना के और फटाफट बना के ये जल्दी भी बनेगा, दो चार मैं पूरी भी इसकी सत्तू की तल दूँगी। और जब बैंगन जो है वो पक गया है, एक तरफ मैंने बैंगन दे दिया था, दूसरी तरफ मैंने उसमें आलू दे दिया था, और आलू भी उबल गया और बैंगन भी पक गया है, तो दोनों को मिला के बनाना है आज भरता। हालांकि बैंगन का भरता अलग बनता है, आलू का अलग बनता है, तो आज मैंने सोचा है कि इन दोनों को मिक्स करके बनाऊँगी। तो ये अच्छे से पक गया था, गैस पर मैंने इसको तेल लगा के सेक लिया था, और इसका छिलका मैं निकाल दूंगी अच्छे से इसको, लेकिन इसका धोऊंगी नहीं। इसको धोने से क्या होता है, इसका सोनापन जो होता है ना, वो खुशबू अरोमा जो इसका होता है वो ख़त्म हो जाता है, तो मैं धोती नहीं हूँ बैंगन, छील के सिर्फ ऐसे ही बनाती हूँ। आलू भी छील लूँगी, दोनों को एक से जो है मैश कर लूँगी अच्छे से, वही प्याज टमाटर लहसुन और सारा चीज़ अदरक वदरक हरी मिर्च दे के, थोड़ा मसाला बेसिक मसाले जो होते हैं वो थोड़े थोड़े डाल के, और इन दोनों को मिक्स करके हरा धनिया डाल के, और इसका एक भरता जो है वो तैयार कर लूँगी। तो ये हो जाएगा लिट्टी और चोखा, हालांकि प्रॉपर चोखा नहीं होगा ये, प्रॉपर चोखा में जो है कच्चा ही सब चीज़ पड़ता है असल में, और लिट्टी भी जो प्योर होता है ना वो कंडे पे ही होता है। तो ये तो आजकल जो है मॉडर्न युग है, तो सारा चीज़ कहाँ से वो चीज़ होगा, तो चलो ऐसे ही लिट्टी का मज़ा लिया जाए और चोखा भी ऐसे बनाया जाए। और इसकी भरते का जो है छौंका वह मैंने लगाया है राई से, और राई में ही मतलब डाल दूंगी, और प्याज और हरी मिर्च और लहसुन कूट के डाल दूंगी। अदरक अभी नहीं है मेरे पास, तो अदरक नहीं डालूंगी, अदरक का स्वाद इसमें ज़्यादा आता है। बस रात भर था, लेकिन पता नहीं शायद चाय वाय में ज़्यादा डल गया, तो ये अदरक ख़त्म हो गया है, लेकिन अदरक इसमें अच्छा अच्छा लगता है, तो मैं अदरक नहीं डालूंगी, और हरी मिर्च और टमाटर डाल के ये जो है चोखा लहसुन को मैं ऐसे ही रफली जो है कूट के और फटाफट डाल देती हूँ। लेकिन 6 बजे जब लगता है ना काम शुरू करती हूँ, तो ऐसा लगता है बहुत टाइम है, और जैसे ही 7 बजता है तो इतना जल्दी टाइम जाता है कि पता भी नहीं चलता कि क्या करें क्या नहीं करें। ऐसा लगता है जैसे बॉडी जो है ना पूरा नाचने को तैयार हो जाता है।
और ये लिट्टी बनके मेरा जो है तैयार हो गया। जितनी चाहिए थी उतनी मैंने बना ली है, बाकी अब नहीं बनाऊंगी। तो ये देखिए बिल्कुल अच्छा सा ये क्रैक भी हो गया है, तो अच्छा सा तल गया। अब मैं इसमें जो है दो चार पूरियां जो है उसकी तल देती हूँ सत्तू भर के ही, ताकि इनको लंच में ले जाने में दिक्कत ना हो। तो मैंने यहाँ दो चार पूरी भी तल लूँगी और लिट्टी भी हो जाएगा और चोखा की तैयारी तो चल ही रही है। तो सब चीज़ एकदम करके और बस अब चाय रह गया है, वो देखती हूँ कि मेरे पास उसके लिए टाइम होगा या नहीं होगा। लेकिन मुझे लगता है आज हस्बैंड को ही बोलना। और आलू बहुत गर्म है और बैंगन भी बहुत गर्म है, तो दोनों को मैंने जो है फोक की मदद से कांटे की चम्मच से उससे जो है मैश कर लूँगी। और क्योंकि ये हाथ जल रहा है तो फटाफट इससे हो भी जाता है और इससे जल्दी मैश हो जाता है, फोक से करो तो फटाफट। मैंने इसमें डाल दिया बैंगन और आलू दोनों डाल दिया है मैश करके, अब उधर पकता रहेगा। इधर मेरी पूरी भी जो है तल के तैयार हो रही है और अब जल्दी जल्दी, अब बिल्कुल टाइम नहीं है मेरे पास। आप सोचते होंगे कि डेली ये बोलती है टाइम नहीं है टाइम नहीं है, नहीं होता तभी नहीं बोलती हूँ, क्या करूँ। सुबह का ही मुझे मॉर्निंग की जो ड्यूटी है वो मैं आपको देखो आप कितना मतलब लाइफ जो है बिजी है ना किसी को बोलने के लिए। और खटाई के लिए मैंने इस बीच जो है इसमें नींबू डाल दिया है, ताकि जो है हम अमचूर नहीं था तो मैंने नींबू ही डाल दिया है, तो अच्छा भी है नींबू डाल के। और ये जो है मेरा भरता जो है ये भी रेडी हो गया और इधर जो है मेरी पूरी भी तैयार लगभग हो गई है। और नाश्ता तो मेरा आज कंप्लीट बन गया है, मुझे पीछे से कोई दिक्कत नहीं है। अब चाय के साथ खाएं, भरते के साथ खाएं, चोखा के साथ खाएं, जिसके साथ खाएं, मैं बना के चली जाऊंगी रेडी होने के लिए अब स्कूल के लिए। ये लिट्टी और ये चोखा बन के तैयार हो गया, तो मेरा ये आज का नाश्ता रेडी है। और दोपहर को अब मैं आ गई हूँ स्कूल से घर, तो बेटी को यहाँ तंग करने का मेरा मन किया और ये अभी तक नाश्ता जो मैं बना के गई हूँ नहीं खाई है, वही मैं पूछ रही हूँ कि क्यों नहीं खाई है। भाई आ जाओ चाय बना, रेणुका चौधरी बोल रही है। हाँ मिलेगा, आज गैस कनेक्शन मिल गया। व्हाट इज दिस, चाय बनाया जाए। और कभी कभी दोपहर में मन करता है कि हाँ चाय पी लूँ, क्योंकि सुबह मैं ढंग से पी के जाती नहीं, स्कूल में पीती नहीं, तो इसलिए मैं घर आती हूँ तो हाँ सभी अगर मान गए कि हाँ पीना है तो फिर मैं अपने लिए भी बना लेती हूँ। और ये दूध का पूरे थैली में मलाई लगा हुआ है, इन्होंने दूध यूज़ कर लिया और थैली को ऐसे रख दिया था, पूरी तरह से मलाई इसमें रखा हुआ था, तो मैं उसी को धो के डाल रही हूँ और चाय पी लूँगी। उसके बाद देखती हूँ कि इन लोगों को खाना भी देना है, खाना दे के फिर क्या चीज़ के साथ खाएंगे देखते हैं। पापा बंद करके चले गए क्या? गैस क्या बनाया था? भुर्जी। तुमको आता है भुर्जी बनाने? अच्छा बना था, क्या डाल दिया था? तो दो अंडा को गिलास में डाला। हाँ गिलास में डाल दिया, धो भी दिया अच्छे से। हाँ और थोड़ा रखा हुआ है। हाँ थोड़ा सा प्याज काट के डाला, नमक डाला, हल्दी डाला, लाल मिर्च डाला, मिला दिया उसके और फिर उसको पैन में डाला। थोड़ा होने के बाद उसको फिर ऐसे कर, दूध गर्म नहीं किया क्या? दूध तो गर्म, ये फ्रिज वाला नहीं, दूध नहीं गर्म, दूध नहीं गर्म, फ्रिज में रखा था तेरे अपनी बात कर दो मेरा। नहीं करूंगी वो, लाओ क्या लस्सी अंदर को खराब हो जाएगा। संसद वाला लगाओ, कहीं दे रहा होगा लाइव, लाइव भी देता है और चलता ही रहता है। कौन चल रहा है मतलब ग्रीष्मकालीन चल रहा है, कौन चल रहा है?
खाने में जब सभी मिनिस्टर वगैरह बैठे रहते हैं और किसी चीज़ पे डिबेट होता है तो हंसी मजाक भी उनमें होती है और फिर एक दूसरे पे तंज भी कसते हैं, तो इसलिए देखने में भी अच्छा लगता है। आंसर फिर क्वेश्चन, तो वही देख रहे थे मैं और बेटा, दो दिन से हम दोनों देख रहे हैं, बड़ा अच्छा लगता है। तो इसलिए मैं उसको बोल रही हूँ कि वही वाला चैनल लगाओ। और यहाँ पे मेरी चाय बनके हो गई है तैयार, और बेटा बोल रहा है मैं खाऊंगा नहीं, क्योंकि उसने आज अपने लिए खुद से अंडे की भुर्जी और ब्रेड के साथ वो खा लिया, अभी जस्ट खाया होगा तो इसलिए नहीं खा रहा है। और बेटी खाई नहीं है तो उसके लिए ले जा रही हूँ यही चाय और लिट्टी, खाएगी वो और कुछ खाएगी नहीं, जो कि और कुछ बनाऊँ। हालाँकि सब्जी भी बनी पड़ी है सुबह के रखा हुआ है, लेकिन यहाँ चाय मैंने भी नहीं पी थी, तो चलो मैं इसी के साथ जो है उसको दे दूँगी खाने के लिए। और ये वीडियो का आज का छोटा सा ब्लॉग यहीं पे ख़त्म करती हूँ। वीडियो अच्छी लगी हो या लिट्टी चोखा अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिएगा, और चैनल पे नए आए हैं तो सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक सबको खुश रहिए, आबाद रहिए। टाटा बाय बाय, सी यू लॉट्स ऑफ लव।